नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है सलमान खान। पहले तो उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा मैं जो कि अभी तक के काम कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ में काम कर रहे हैं और फिर पुलिस वाले हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हैव डेडिकेटेड देयर टाइम टू कोरोना। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। अब अपील ये है, ये जो गवर्नमेंट है ये आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए बोल रही है, तो इसको सीरियसली लो, अफवाहें मत फैलाओ। ये हमेशा से एक प्रॉब्लम है कि सबको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होगा, ये कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है, बस में, ट्रेन में, मार्केट में, हर जगह। तो काय कोई पंगे ले रहे हो बाहर जाना, ये पब्लिक हॉलीडे नहीं है भाई, ये बड़ा सीरियस मामला है। ये सब बंद करो, मास्क पहनो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, हाथ धो, साफ सुथरे रहो, लोगों से दूर रहो। ये सब करने में क्या दिक्कत है आपको? अगर किसी की जान बच रही है, जाने बच रही हैं, सैकड़ों जाने बच रही हैं आपकी खुद की, तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? करो यार, ये जिंदगी का सवाल है, करो ये, प्लीज दरख्वास्त है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो स्पीच दी है वो अपने आप में आइकॉनिक है और लेजेंडरी है, और मैं इसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उनकी स्पष्टता उनके शब्दों के चयन से और उनके आचरण से स्वाभाविक रूप से झलक रही थी। कोरोना वायरस 12 घंटे में निष्क्रिय हो जाता है और जनता कर्फ्यू 14 घंटे का है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो किसी भी देश ने सही वक्त पे नहीं खेला, जो हम भारतवासी खेलने जा रहे हैं संडे को सुबह 7 से रात के 9 बजे तक। अपने घर में रहिएगा, और मेरा खास निवेदन है, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से, माताओं से, बहनों से, देखिए जान रहेगी तो आवाज़ रहेगी। आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, आपके माता पिता हैं, सभी आपकी सुरक्षा की कामना करते हैं। आप खुद भी असुरक्षित हैं और आपकी वजह से वो भी असुरक्षित हो सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा स्वरा भास्कर जी से, अनुराग कश्यप जी से, ओवैसी साहब से, वो सभी लोग जिन्होंने हाथ में हाथ रखकर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से उनके साथ खड़े रहे हैं। देखिए, राजनीतिक मतभेद होने लाजमी है, पर इस समय मुद्दा इससे ऊपर उठ चुका है। इस समय समाज का और इंसानियत का मुद्दा है, तो कृपया आपकी बातें वो सुनते भी हैं, कृपया उन्हें कहें कि वो अपना प्रदर्शन कम से कम तब तक के लिए स्थगित कर दें जब तक कोरोना वायरस का कोई उपचार नहीं निकलता, ये खत्म नहीं होता। और मैं भी, हालांकि मैं इंडिया में नहीं हूँ, पर मैं आप लोगों के साथ में 5 बजे ज़रूर शाम को इंडिया के टाइम के हिसाब से मैं टीवी के पास में जाऊँगा और आपके साथ में तालियां बजाऊँगा। घर पर हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे घर बैठ के देख रहे होंगे, और अगर आप बाहर हैं तो किसी बहुत बहुत ज़रूरी काम से होंगे, क्योंकि अभी हम सब का खुद से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरा बाहर जाना ज़रूरी है, क्या मेरा बाहर जाना सुरक्षित है मेरे लिए, आसपास के लोगों के लिए। आप पूछ रहे होंगे कि मैं इतना सवाल क्यों कर रहा हूँ, बताता हूँ। मुंबई एयरपोर्ट पे लोग जो सफ़र से लौटे हैं, जिनका एयरपोर्ट पे टेस्ट किया जा रहा है, जो कोरोना टेस्ट में लो रिस्क कैटेगरी में है, उन्हें एक स्टैम्प लगा के होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है या होटल भेजा जा रहा है, ये समझा के कि 2 हफ्ते सोशल डिस्टेंस बना के रखें एज अ प्रिकॉशन अपने लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए। लेकिन बिलीव इट और नॉट, होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगाने के बावजूद इनमें से कुछ यात्री ना सिर्फ शहर में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, छुट्टियों पर जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं। किस तरह की सोच है, क्या मानसिकता है, क्या समझ नहीं आ रहा लोगों को? भाई साहब, बहन जी, कोरोना वायरस छुट्टी पर नहीं, काफ़ी जोर शोर से काम कर रहा है, ओवरटाइम कर रहा है, इस रेस में वो आगे चल रहा है, लेकिन रेस अभी बाकी है, जीता नहीं है कोई, हम जीत सकते हैं, हमें जीतना ही होगा। अगर आप इस रेस को जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो डॉक्टर्स, नर्सेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, पुलिस, कई ऐसे लोगों की मेहनत को यूं रेस के बीच लंगड़ी ना मारे। ये पहली रेस
पहली ऐसी रेस होगी दुनिया में जिसमें सबसे पहले रुकने वाला रनर जीत जाएगा, ना सिर्फ खुद जीतेगा बाकी सबको जिताएगा। इस रेस में सब साथ जीतेंगे या फिर सब साथ हारेंगे। बीएमसी इस स्टैंप को जो हाथों पे लगाती है, इस स्टैंप को बैज ऑफ ऑनर कहती है। बैज ऑफ ऑनर क्योंकि आप ना सिर्फ खुद को सुरक्षित कर रहे हैं बल्कि बाकी कईयों की जान बचा रहे हैं। जान बचाने वाले का सम्मान तो होना ही चाहिए, इस सम्मान का अपमान ना करें आप लोग। कुछ हफ्तों की बात है फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। किसी ने सोच समझ के ही कहा था, जान है तो जहां है, सोचिए और समझिए। नमस्कार। हर फिल्म में दो तरह के किरदार तो जरूर होते हैं, एक हीरो एक विलन। असल जिंदगी में भी ऐसे कई किरदार मिलेंगे आपको, जैसे आजकल देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा विलन कोरोना वायरस है, और सबसे बड़े हीरो कोरोना वायरस से लड़ रहे डॉक्टर्स। कुछ बहुत ज़रूरी सपोर्टिंग रोल निभा रहे हैं सफाई कर्मचारी, जागरूक नागरिक। इस मुश्किल की घड़ी में मदद करने वाला हर शख्स। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरी पिक्चर के कास्टिंग डायरेक्टर हम खुद हैं। हमें हीरो बनना है या विलन, ये हमारे हाथ में है। हाथ साफ तो हीरो, हाथ साफ नहीं तो विलन। यही है इस पूरी पिक्चर का सार। हीरो को हाथ धो के विलन कोरोना के पीछे पड़ जाना है। अगर कहीं कोई कसर रह गई हो सावधानी में तो घबराइए मत। कस्तूरबा हॉस्पिटल में, KEM हॉस्पिटल में, साथ ही अलग अलग हॉस्पिटल के सहयोग से BMC ने आपके स्वास्थ्य के लिए सारा इंतजाम कर रखा है। आपको मालूम ही है कि सरकार, BMC, पुलिस सब दिन रात हम सब की सुरक्षा के लिए अलग अलग इंतजाम में लगी है। हमें बस उनका साथ देना है। बस साथ दीजिए, अपना ध्यान रखिए, घर के बाहर बेवजह मत जाइए, भीड़ से दूर रहिए। कोई भी सिम्टम्स हो तो कस्तूरबा में जांच करवाइए और हाथ धोकर कोरोना वायरस के पीछे पड़ जाइए। किसी भी हालत में उसे बचने मत दीजिए। क्लाइमैक्स में मज़ा तभी आता है जब विलन मारा जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने अपना बुरा साया डाला हुआ है। इस कठिन समय में अगर हम और आप एक हों, एक साथ हों, तो इस मुश्किल को रुकना होगा, पलट कर जाना होगा, हारना होगा। KEM और कस्तूरबा हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार हैं इसके खिलाफ। अपनी परवाह ना करते हुए एयरपोर्ट्स पर भी डॉक्टर्स की टीम हर एक आने वाले की जांच में लगी हुई है। ये सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हमें बस इनका साथ देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी एहतियात बरतनी है बस। हम जहां पर भी हैं, काम पर, घर में, अपने हाथ रेगुलरली धोते रहिए। अगर छींक आए तो अपने मुंह को हाथ से कवर कीजिए। हो सके तो आने वाले 15 दिनों में किसी भी भीड़ वाली जगह पर ना जाएं। बेहतर है आप लोग सब अपने घरों में ही रहें। अगर आपके आसपास किसी को खांसी, बुखार या जुकाम है तो उनसे कुछ फीट की दूरी बनाए रखें। याद रखिए, खुद की सुरक्षा के लिए सावधानी किसी एक को नहीं, हम सबको करनी होगी। Hey guys, I hope you guys are doing good. I'm just checking in on everybody at this time. I know we are going through a very difficult situation globally. It's crazy. I just wanted to take this time to, you know, tell everybody that it's important that we stay calm. It's important that we keep our mental health in check, especially at a time right now where there's a lot of fear-mongering happening, a lot of misinformation going around, and you know, we just don't know what to believe. But one thing is for sure, we should self-educate ourselves to contain the spread of this virus. Whatever we can do will matter, whether it's social distancing, washing our hands, keeping ourselves at home and not going out unless it's necessary. These are important steps that could help contain the spread of the virus. At the same time, I think what's really important is being positive, staying calm, and having faith in God. And I'm for sure, I'm someone right now who's keeping
everybody in my prayers. I'm also extending my prayers to everybody globally, to people who are going to be facing economic hardships, people who are going to be facing a lot of stress and anxiety. It's going to be very difficult for us to get through this, but I want everyone to know and understand that we will definitely get through this together. But it's important that we maintain hope, faith, and we keep positivity going around, you know, supporting each other. We can't do this alone, but we can do it together. But yeah, I'm keeping everybody in my prayers, and I'm definitely, you know, trying to make you guys understand the importance of having faith in God at a time like this. I know we're going to get through this, inshallah. I know we will. We will get through this, but it's important that we stay calm and we keep our mental health in check. So my prayers go out to everybody who's, you know, self-isolating right now, who's, you know, probably away from their family at the moment because of the certain travel restrictions right now, people who do have the virus and are recovering, and for any family member that's lost anyone due to the virus, my prayers go out to everybody. I really want to stress the importance of staying calm and being positive and just making sure we don't let anxiety, fear, and panic engulf us in such a situation. Stay safe, everybody. I love you guys. Take care. अब काफ़ी वक्त हो गया है, सभी को पता चल गया है कि कितना सीरियस मैटर है, और वर्ल्ड के सारे डॉक्टर्स ने बात की है इस पर. उन्होंने कहा है क्या क्या करना चाहिए, किस किस चीज़ का प्रिकॉशन लेना चाहिए. सैनिटाइज, घर पे रहो. लेकिन अभी भी हम जो हैं इंडिया में स्पेशली बहुत ही लाइटली ले रहे हैं, और मैं सिर्फ ये मैसेज उन्हीं को देना चाहता हूँ कि प्लीज़ इसको लाइटली मत लीजिए, बहुत ही सीरियस मैटर है. कुछ कंट्रीज़ ने इसको लाइटली लिया था, आज बहुत बुरा हालत है इनका. एंड जिस कंट्री से स्टार्ट हुआ है, चाइना में, उन्होंने इससे लड़ा और अब वो इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि वो बहुत ही जल्द नॉर्मल होने वाला है. क्यों? क्योंकि हर एक इंसान वहां पे इस चीज की प्रिकॉशन ले रहा है. बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें.